सफेद दाग के इलाज के लिए जब आप हमसे मिलते हैं तो हम आपको दवा के साथ साथ डाइट की इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, और उसी इंस्ट्रक्शंस में एक बात बताई जाती है, काला चना रोजाना खाना है। अब वो काला चना किस टाइम खाना चाहिए जिससे आपको पूरे बेनिफिट मिले, चलिए आज मैं आपको यही बताती हूँ। सफ़ेद दाग के इलाज में जब डाइट की बात करी जाती है, स्पेसिफिकली जब हम एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सिंस मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और आयुर्वेदिक इलाज दवाइयों में भी देती हूँ और साथ साथ जो परहेज़ बताती हूँ उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार पेशेंट को फॉलो करने में थोड़ा समय लग जाता है, बट मैं ऐसा देखती हूँ कि काला चना जब बताया जाता है खाने के लिए तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ उन सभी क्वेश्चंस को उनको जवाब देने की। बट एक जो क्वेश्चन या परेशानी उनके दिमाग में रहती है वो ये कि उसको खाने का सबसे सही समय क्या है, क्योंकि वो इलाज में सब कुछ सही करना चाहते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम कोई भी कमी ना छोड़े और हमारा इलाज जो है एकदम सक्सेसफुल हो जाए। तो काला चना पहले तो यही जान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। ऑल्दो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बट मैं एक बार फिर से बता देती हूँ छोटे में कि काला चना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्किन में, आपकी त्वचा में जब हम रिपेयर का काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो अमीनो एसिड्स जो काले चने में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और मेलानिन यानी कि स्किन का कलर जो हमें बनाना है उससे पहले उसका प्रिकर्सर मतलब कि मेलानिन बनने से पहले की जो स्थिति होती है वो भी अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस में ही होती है, और वो अमीनो एसिड्स हमें सबसे ज़्यादा काले चने में ही मिलते हैं। अब इसे सही समय एक्चुअली देखा जाए तो कहीं पर भी ऐसा एक फिक्स टाइम नहीं है कि आप सभी के लिए वो फिक्स टाइम लागू होता है, बट जो बेस्ट टाइम सबके लिए सूट करेगा वो है दोपहर का समय। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी जो डाइजेशन है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो दोपहर के समय जब हम अपना लंच करते हैं वो आइडियली होता है 1 से 2 बजे के बीच में, वो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है मतलब हमारी जो अग्नि है जो कि हमारे खाने को पचाती है वो सबसे पीक पे होती है, मतलब अपना सबसे बढ़िया काम जो कर सकती है वो उस समय में कर सकती है। तो अगर आपको आपकी अग्नि वीक है, अगर आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती, आपको गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, तो आपको दोपहर का समय चुनना चाहिए काला चना खाने के लिए। कई लोग ऐसा समझते हैं कि काला चना सुबह खाना फ़ायदेमंद है, हम तो खाली पेट ही खा लेते हैं, ये कई बार आपको नुकसान कर सकता है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर इतनी अच्छी नहीं है, आपकी जो पचाने की शक्ति है वो कमज़ोर है, आपको उल्टा काला चना खाने से गैस हो सकती है। तो काला चना खाना है पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है, काला चना जिस क्वांटिटी में आपको एडवाइस किया जाए उतना खाना है और राइट टाइम पे खाना है, ऐसा करने से आपका इलाज सक्सेसफुल हो सकता है।